Hello viewers, in today's section of this recorded video, we will understand the difference between should and ought to. When it comes to should and ought to, here is a word versus. तो हमें इनको versus के format में सीखना है. क्यों? अब पहली बात यह है कि मैंने इनके बीच में versus का sign क्यों लगाया. Versus का sign तब आता है जब दो चीज़ें एक दूसरे के compatible होती हैं, equal similarities hold करती हैं, equal strength hold करती हैं और एक दूसरे के opposite आके खड़ी हो जाती हैं. तो सबसे पहली बात आप should और ought to में याद रखेंगे कि ought and to का जो मीनिंग होता है वो कॉमन होता है. शुड एंड ऑट टू के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. इन दोनों का मीनिंग होता है चाहिए. हिंदी में जिसे हम चाहिए बोलते हैं उसे शुड या ऑट टू से कन्वे किया जाता है. अब जब मीनिंग सेम है तो फिर इनमें वर्सेस क्यों लिखा है? इनमें वर्सेस लिखा है इनकी क्वालिटी की वजह से. वन, इट कम्स टू शुड, टू शुड more common in use. Should को लैंग्वेज नॉर्मली यूज़ करती है. हम अपनी मोस्ट जो स्पीचेज होती हैं, मोस्ट प्रॉबेबली जब हमको ये चाहिए वाला फॉर्मेट कन्वे करना होता है, हमारी डिपेंडेंसी शुड पे ही है. एंड वन इट कम्स टू ऑट टू, इट इज़ फॉर्मल इन यूज. लैंग्वेज इसको इतना कॉमन यूज नहीं करती, कारण ये बहुत फॉर्मल यूज होता है. फॉर्मल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? फॉर्मल का मीनिंग ये है कि अगर मुझे इस वर्ड जिसे मैंने चाहिए कहा है, चलिए इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि हमारे सारे व्यूअर्स इसे पढ़ पाएं. जैसे हमने इसे चाहिए कहा है, अगर मैं यही टॉक उस व्यक्ति से करती हूँ जो मेरी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, जिसके साथ मुझे खास सोशल एटिकेट्स का बिहेव मेंटेन नहीं करना है, जिसके साथ में मेरी जो डेली टॉक होती है वो नॉर्मल होती है, वो एज अ फ्रेंड होती है, वो एज अ ब्रदर होती है, एज अ सिस्टर होती है या एज अ चाइल्ड होती है, उसको मैं शुड से कहूँगी. जैसे आई शुड नॉट टेल ए लाई टू माई फादर. नाउ What is this? I should not tell a lie to my father. मुझे मेरे पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था. चाहिए वर्ड आ गया और मैंने आपको बोला कि इसको मोर कॉमन इन यूज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये उन लोगों के साथ में हमारी बातचीत बताता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हैं और जिनके साथ में हमें कुछ खास एटिकेट्स या सोशल मैनरिज्म को फॉलो नहीं करना होता. बट वन इट कम्स टू ऑट टू, ये हमारे फॉर्मल रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं. फॉर्मल रिलेशनशिप का मतलब होता है जहाँ पे हमें डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ती है, जहाँ हमें रिलेशनशिप के लेवल को समझना पड़ता है कि विद होम आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हो, व्हाट इज योर टॉपिक, आप क्या बात कर रहे हो. जैसे सपोज मैं अपने बॉस से बात कर रही हूँ तो नो डाउट अगर वो मेरे बॉस हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जिनके साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बातचीत होती है, जिनके साथ हम एवरी डे हैबिचुअल टॉक करते हैं, उनके साथ हम शुड लगाते हैं. लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि आपको अगर सोशल मैनरिज्म को फॉलो ना करना पड़े तो ही आप शुड लगाएंगे. अब नो डाउट अगर मैं उनकी कंपनी में काम करती हूँ, मैं उनकी एम्प्लॉई हूँ, तो मैं डेली अपने बॉस से भी बात करती होंगी, लेकिन मैं बॉस के साथ एटिकेट्स को इग्नोर करके बात नहीं कर सकती. एक प्रॉपर जो होता है ऑफिशियल प्रोटोकॉल है जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा. ओके, तो व्हेन इट कम्स टू माय बॉस, बॉस के साथ मेरी टॉक क्या होगी? फॉर्मल होगी. तो मैं अगर लिखूं आई ऑट टू अपोलोजाइज to my boss for my misbehavior. तो क्या लिखा मैंने? मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे मेरे बॉस से अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करना है. अब देखो यहाँ पे जो ought to लिखा है इसका मीनिंग भी should ही है कि मुझे मेरे बॉस से मेरे मिसबिहेवियर के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए.
तो मीनिंग इज सेम, शुड एंड ऑट टू बोथ कन्वे द सेम मीनिंग, दैट इज चाहिए. लेकिन एज आई टोल्ड यू, शुड इज कॉमन इन यूज. जहाँ पे सोशल एटिकेट्स को आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं एंड यू कैन बिहेव अकॉर्डिंग टू योर विल, वहाँ पे हम यूज करते हैं शुड. लेकिन जहाँ पे हमको प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, हमको प्रॉपर मैनरिज्म फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पे हम शुड की जगह पे यूज करते हैं ऑट टू का. तो ये शुड और ऑट टू का पहला डिफरेंस है जिसे आप याद रखेंगे. मीनिंग है चाहिए, लेकिन शुड जो होता है वो कॉमन है. लेकिन जहाँ पे आपके प्रोटोकॉल्स मैटर करते हैं, जहाँ पे आपका सोशल बिहेव काउंट होता है, वहाँ पे चाहिए वाले इमोशन को कन्वे करने के लिए इंस्टेड ऑफ शुड वी यूज ought to. हमने शुड और ought to की जनरल कन्वर्सेशन डिसाइड कर दी कि शुड क्या करेगा. शुड कॉमन यूज होगा और जो ought to है वो फॉर्मल आएगा. अब हम बात करते हैं शुड एंड ought to इन क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं. क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क का साइन जो है उसको लेके आते हैं. इन जनरल जो क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, मिरर्स द क्लॉज विच मेक्स द सेंटेंस. इसका मतलब ये है इन जनरली जो क्वेश्चन टैग होते हैं उन्हीं हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं जिनको आपकी स्टेटमेंट में यूज किया होता है. जैसे मैंने आपके लिए एक स्टेटमेंट लिख दी, यू शुड नॉट टेक मच शुगर. ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन जनरली जो क्वेश्चन टैग होता है उसी वर्ब से बनता है जो आपकी स्टेटमेंट में यूज की गई होती है. तो हमारी स्टेटमेंट में किसको यूज किया गया है, शुड को. तो इसका क्वेश्चन टैग भी शुड से बनाओ, एस एच ओ यू एल डी, शुडंट यू. अब इतना तो आपको पता होगा कि जो हमारी स्टेटमेंट होती है, क्वेश्चन टैग होते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, अगर हमारे क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, लेकिन स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. रिपीटिंग, ये वाइस वर्सा होते हैं. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है. हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव थी तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना. जैसे हम एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं वेदर की, इट इज नाइस वेदर आउटसाइड, इजंट इट क्वेश्चन मार्क. इट इज नाइस वेदर आउटसाइड. आज जो क्या है, मौसम बाहर अच्छा है. मेरी स्टेटमेंट किससे बनी थी, इससे बनी थी. और मैंने आपको बताया कि जो आपके क्वेश्चन टैग होते हैं वो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज में यूज किए गए वर्ब का रिफ्लेक्शन होते हैं. तो हमने इसमें शुड यूज किया था तो हमने शुड से टैग बनाया, हमने इज यूज किया था तो हमने इज से टैग बनाया. और मैंने आपको इसके बाद बताया कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है. लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया हैशटैग. हैशटैग का मतलब ought to is equal to, या फिर ought to के बारे में हम क्या लिखते हैं, it does not use ought to as its question tag. यहां पे as its question tag. अभी मैंने आपको बताया, अभी एक सेकंड पहले, कि हम जिस फ्रेज को, जिस हेल्पिंग वर्ब को, जिस मॉडल को स्टेटमेंट में यूज करते हैं उसी को हम क्वेश्चन टैग में बदल देते हैं. और अभी मैंने अपनी ही बात को चैलेंज कर दिया कि व्हेन इट कम्स टू ought to, ought to अपने क्वेश्चन टैग में ought to को नहीं लेता. मतलब अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है जिसमें आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, जैसे मैंने लिखा
देयर ऑट टू बी। देखिए मेरी स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट हुई है, मेरी स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है ऑट टू बी से। देयर ऑट टू बी मोर स्ट्रीट लाइट्स हियर कॉमा। अब मैंने कहा कि यहां पे और ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन टैग किससे बनना चाहिए, ऑट से ही बनना चाहिए ना। बट नहीं, आपको याद रखना है व्हेन इट कम्स टू ऑट टू, ऑट टू अपने क्वेश्चन टैग में ऑट टू को नहीं लेता, ऑट टू अपने क्वेश्चन टैग में ऑट टू की जगह पे लेता है शुडंट इट क्वेश्चन मार्क। देयर ऑट टू बी मोर स्ट्रीट लाइट्स हियर शुडंट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो आपको याद रखना है व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन टैग ऑफ ऑट टू। लैंग्वेज अपने बेसिक्स के अगेंस्ट बिहेव करती है। लैंग्वेज के बेसिक्स कहते हैं द वर्ब यू यूज इन द स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू मेक द क्वेश्चन टैग, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑट टू, ought to will not use ought to as its question tag. Instead of ought to, what it will use should. तो आपको याद रखना है when it comes to ought to, ought to का जो question tag होता है वो होता है should. Fine. तो repeating जब हम use करते हैं should और ought to का, तो should आता है कॉमन यूज में, लेकिन ऑट टू आता है फॉर्मल कन्वर्सेशन में। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपनी वाइफ से बात करें, तो भले वो प्राइम मिनिस्टर हैं पर उनकी वाइफ क्या है, उनकी लाइफ का हिस्सा है, वो शुड यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई बात बोलनी है, तो वो हमारे फॉर्मल बिहेवियर के अंदर आते हैं, तो हम उनके लिए ought to यूज करेंगे। और उसके बाद आपने दूसरा पॉइंट सीखा कि व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन टैग ऑफ शुड और ought to, आप याद रखेंगे कि ought to यूज करता है अपने क्वेश्चन टैग में शुड को। जनरली स्टेटमेंट में जो वर्ब यूज हुआ हो उसी का क्वेश्चन टैग बनता है, लेकिन लैंग्वेज का ये एक्सेप्शन है। आप कभी मत भूलिएगा कि ought to का क्वेश्चन टैग हमेशा should से बनता है। चलिए should और ought to के इस पार्ट में हम क्या सीख रहे हैं ought to के बारे में? हमने ought to के बारे में एक वो पार्ट सीखना है जहाँ पे should अगर आप लगा दोगे वो सही तो हो जाएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं फंडामेंटल ग्रामर की, ग्रामर के बेसिक्स की, उन बेसिक्स में वो स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। वर्बली वो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, बोलचाल में हम उसको ओके कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ग्रामेटिकल यूज, व्हेन इट कम्स टू योर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो फॉर्मेट शुड से गलत हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जिन स्टेटमेंट्स को आइडियल स्टेटमेंट बोला जाता है, आइडियल स्टेटमेंट यू ऑल अंडरस्टैंड, आइडियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट्स जिन पे नो इफ नो बट काम करता है, जो स्टेटमेंट्स को हम सोशल, फाइनेंशियल, रिलीजियस, इकोनॉमिक हर बारोमीटर पे क्या मानते हैं, एक आइडल मानते हैं, कि इसको कुछ भी कहना या इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना, मतलब स्टेटमेंट को बिगाड़ देना। इट मींस ये स्टेटमेंट पहले से ही 100% परफेक्शन, 100% ऑथेंटिसिटी के पैक में आती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दे डैश have more hospitals in the city. Full stop. Now the question is, आप इधर should भी लगा सकते हो, they should have more hospitals in the city. लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था कि should क्या होता है, common होता है। Formality की जब आप बात करते हैं, जब आप mannerism की बात करते हैं, तब हम ought to लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम mannerism के according चलें तो भी ought to आना है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है ideal statement, ideal statement का मतलब जिन पे no if no but काम करता है, तो एक सिटी में हॉस्पिटल्स का होना नेसेसिटी है। शुड का मतलब क्या होता है कि हाँ होना चाहिए, हुआ तो हुआ, नहीं तो ना सही, लेकिन ये क्या है, फॉर्मेलिटी नहीं है। यहाँ पे हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ, ना सही, क्या मैंने आपको बोला नो इफ नो बट। तो अगर कह दिया गया कि सिटी में
और हॉस्पिटल्स होने चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ought to, they ought to have. चलिए ये स्टेटमेंट तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, हम इसको अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं. हमने एक आसान सी स्टेटमेंट लिखी, वी डैश ड्रिंक मोर वाटर टू बीट द हीट. बीट द हीट का मतलब क्या होता है, गर्मी में सर्वाइव करना. बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो तो उसमें सर्वाइव करना इज कॉल्ड बीट द हीट. तो अब बीट द हीट मतलब गर्मी में सर्वाइव करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू यू नीड टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर. वी ड्रिंक मोर वाटर. अब ये क्या है, ये अपने आप में नो इफ नो बट वाली स्टेटमेंट है. आप इस पे बहस नहीं कर सकते कि नहीं कम पानी पीने से मर थोड़ी जाएंगे, जेन्युइनली मर जाएंगे, हमें सनस्ट्रोक हो जाएगा. सनस्ट्रोक की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लोगों को डायरिया हो जाता है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं. तो नो इफ नो बट वाली स्टेटमेंट है. और मैंने को क्या कहा, ऐसी स्टेटमेंट जो नो इफ नो बट को मैच करती हो वहां पे शुड कभी नहीं लगाना. तो यहां पे लगेगा वी ought to drink more water to beat the heat. चलिए एक फटाफट से रेपिटेशन लेते हैं. Should आएगा और ought to आएगा इमोशन एक्सप्रेस करने में, जिसका मीनिंग होगा चाहिए. लेकिन should जो हमारी नॉर्मल डे टू डे टॉक होती है वहाँ पे आता है, लेकिन अगर आपके जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मेलिटी की डिमांड कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ शुड यूज़ कीजिए ऑट टू का. उसके बाद से जिस भी स्टेटमेंट में आप क्वेश्चन टैग लगाना चाहते हैं उसकी वर्ब को देखिए, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके हेल्पिंग वर्ब से ही आपका जो क्वेश्चन टैग वो बन जाता है. लेकिन वन इट कम्स टू ऑट टू अपने क्वेश्चन टैग में ऑट टू को कभी नहीं लेता. ऑट टू का क्वेश्चन टैग होता है शुड से. और तीसरी बात, ऐसी स्टेटमेंट्स जो नो If, no, but को फॉलो करती हैं वहां पे चाहिए के इन मोशन को कन्वे करने के लिए हमेशा यूज कीजिए ought to का. आई होप इसके बाद से should और ought to आपको कभी परेशान नहीं करेंगे. थैंक यू.